ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल सीरीज। तो ये अपना डबस्टेप हेलमेट वीएफएक्स का फाइनल पार्ट 3 है। तो ये पार्ट 3 मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो कमेंट देख सकते अंजू शर्मा का, कि मेल फीमेल जो भी है, इसने बहुत बड़ा है कमेंट में ऐसे ऐसे बहुत कुछ लिखा है, देख सकते पढ़ सकते। पार्ट 3 अपलोड करने बोला है। मैंने जैसे कि एम बनाया था 300 व्यूज़ के लिए, 300 उसने बहुत ट्राई किया, फ्रेंड्स को वगैरह फिर भी नहीं हो पाया उतना, अराउंड 100 के आसपास है, 120 कुछ आसपास है जितना भी। चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला बनाना तो था ही, तो चलो इतने ये इतना बड़ा मैसेज कर दिया मेरे को, तो मैं सोचा चलो बना ही देते। बहुत कुछ लिखा देख सकते, आई जेन्युइनली अप्रिशिएट योर टैलेंट, चलो अच्छा है, चलो तो इतना रिक्वेस्ट करने का तो मैंने सोचा बना ही देते, बनाना तो है ही। तो ये अपना फाइनल पार्ट रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से तुम लोग देखना, सीख जाओगे। तो ये अपना इस पार्ट में मैं जैसे कि बताया था लास्ट टाइम, मैं इसमें ग्लो इफेक्ट्स वगैरह सब बताऊंगा, जैसे ये मिनी जो मशीन गन है ये जो भी है इसके, फिर ये मजल्स इफेक्ट सब बनाऊंगा इसमें। ऑइट तो स्टार्ट करते ही अपना फाइल है, देख सकते ये अपना रिसेंट जो पुराना वाला जो ये है फाइल अपना, तो इस तक अपने हमने बनाए थे ठीक है लास्ट पार्ट में। तो जैसे कि मैंने नया पीसी ले लिया, तो मैं नए पीसी में बना रहा हूँ, मैक में नहीं बना रहा हूँ, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा है कि नहीं, बात सही है ना। तो सब्सक्राइब मार दीजिए ठीक है, इस वीडियो में तो कुछ एम नहीं कर सकती क्योंकि फाइनल पार्ट है, फिर भी जितना हो सके उतना सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए ठीक है। तो जैसे कि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब ट्यूटोरियल्स ला रहा हूँ धीरे धीरे, रिसेंट ट्यूटोरियल्स देख सकते, सिनेमा फूडी में भी बना रहा हूँ मैं ठीक है। तो ये अपना फुटेज आ गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसमें भी टेक्चर जैसे एनवायरनमेंट जाकर मैंने ये टेक्चर डाला था ठीक है, तो ये टेक्चर नहीं डालूंगा मैं इसमें, मतलब जो अपना HDR फाइल है इसमें काफ़ी सारी, ये इसमें मज़ा नहीं आएगा ठीक है, क्योंकि ये 360 वाली इमेज नहीं अपना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके नया वाला अपना जो मैं अभी HDR अच्छी अच्छी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे अब सिनेमा फोटो में रेंडर वगैरह मारता हूँ रेंडर के लिए, उसमें यूज़ कर रहा हूँ। तुम लोग को इसका रिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके देख सकते हो, पॉली हेवन करके HDR हेवन, बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट। तो इसमें से मैं कोई भी ट्राई कर लेता हूँ, जैसे फोटो स्टूडियो वाला ले लेता हूँ, देख सकते मैंने लिया, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फाइल बहुत साइज रहता है, देख सकते रेजोल्यूशन देख सकते काफ़ी अच्छा है, ये समझ में आ रहा मतलब इसके जो क्या बोलते रिफ्लेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छे से मतलब प्रॉपर दिख रहा है एकदम ठीक है, देख सकते कुछ इस तरह ये हो रहा है काम ठीक है। तो मैं फिलहाल कोई भी एक रैंडमली ले लेता हूँ, ये फोटो स्टूडियो वाला ट्राई का, तो ब्लू वाला भी ज़्यादा ब्लू लग रहा है, तो ठीक है यही यूज़ कर लेते फिलहाल ठीक है, ये परफेक्ट है, इसको ओके मार देते, देख सकते बाकी सब तो अपना मतलब प्रॉपर है, देख सकते अभी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, देख सकते रिफ्लेक्शन में अभी वाइट, तो देख सकते कितना फ़र्क पड़ रहा है अभी रिफ्लेक्शन में। तो ये जो इसके रिफ्लेक्शन के कुछ चेंजेस मैं बताता हूँ, यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाके फिजिकल एनवायरनमेंट जाके यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, जैसे इस तरह कुछ इस तरह, तो रोटेट करके देख सकते हैं जैसे लाइटिंग के हिसाब से मैच कर सकते हैं, या फिर तुम लोग के पास अगर तुम्हारा ओरिजिनल फुटेज का 360 फोटो है इमेज है तो HDR है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे नॉर्मल रहने देता हूँ ठीक है। तो ये अपना रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा आ चुका है। अभी मैं ग्लो इफेक्ट का बताता हूँ, ग्लो के लिए यहाँ पे ऑप्शन है अपना, ग्लो में जाने का यहाँ पे इसको इनेबल ग्लो कर देने का ठीक है, इसमें इनेबल कर देने का, और यहाँ पे थोड़ा छेड़खानी करना अपने इल्यूमिनेशन ये सब ग्लो इंटेंसिटी वगैरह से, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके देखना अपने को, जैसा तुम लोग मतलब जैसा आउटपुट दिखा रहा है तो इल्यूमिनेशन में लेके देखता हूँ कुछ इस तरह, मैं ट्राई करता हूँ ठीक है। ये ग्लो इंटेंसिटी वगैरह थोड़ा बढ़ा के देखूंगा, थोड़ा आ गया कि लेकिन देख सकते अभी थोड़ा ग्लो ग्लोइस्ट इफेक्ट आ रहा है, इसको मैं डिसेबल देख कर दिखाता हूँ, देख सकते काफ़ी फ़र्क आ रहा है इसमें, इसको पहले फुल रेजोल्यूशन में दिखाता हूँ, ये देख सकते इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ठीक है, ग्लो आने लग गया थोड़ा, मतलब रेडियस में थोड़ा छेड़खानी करके देखना है, जैसे कुछ मतलब एक जो वैल्यू है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा ठीक है। और ये अपना जो अल्फा बूस्ट है उससे ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, इतना बूस्ट की ज़रूरत तो फिलहाल है नहीं ठीक है। तो ये अपना हो चुका है, अभी मैं पहले मिनी गन को ला लेता हूँ, मशीन गन जो है अपना सबसे उसके ला लेते हैं, सीन सेट में जाऊँगा और सबसे पहले अपना जो ये है कहा गया अपना जो 3D एसेट में जाएंगे, मिनी गन कहा गया ये रहा मिनी गन, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ सबसे पहले, और तो ये अपना एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसका OBG होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर सिनेमा फोटो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो ये अपना OBG नहीं है, चलो ऑब्जेक्ट फाइल तो नहीं है इसको, तो फिर सिनेमा फोटो स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें थोड़ा अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा मतलब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, FBX में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए ये अपना सिनेमा फोटो स्टार्ट हो जाएगा, चल तो सिनेमा फोटो स्टार्ट हो गया, अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करना है अपने को OBG फाइल में, वेब फ्रंट OBG ठीक है, वेब फ्रंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे, इंटर मारेंगे, बूम हो गया अपना, बूम बूम बूम। चलो ये फाइल को भी ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे अपने को, ये रहा अपना फोल्डर मिनी गन सोर्स मिनी गन ठीक है, ओके प्रेस कर दे रहे हैं, तो अपना ये गन आ चुका है
ऐसे इसको थोड़ा बाहर ले लेंगे, ये अपना कुछ गन, तो इसको मैं नॉर्मलाइज साइज करके रख दूंगा, देख सकते हैं अभी प्रॉपर लिख रहा है। ठीक है, तो ये अपना गन आ चुका है, इसमें टेक्चरिंग वगैरह ऐड करना है। सबसे पहले पोजीशन में ले लेता हूँ जहाँ पे, जैसे कि जैसे तुम लोग को बनाना है उस तरह बनाना, मैंने तो यहाँ पे लिया था लास्ट मतलब जो फुटेज है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो इसमें अभी मैं टेक्चरिंग वगैरह कर लेता हूँ, जो भी इसका टेक्चर वगैरह, जैसे ये डिफॉल्ट में जाऊँगा, डिफ्यूज में जाऊँगा, लोड टेक्चर, वही फिर से वो सेम फोल्डर में जाके अपने को टेक्चर लोड करना है। ठीक है, टेक्चर किधर गया, ये मैंने क्या लिया है डिफ्यूज़। ठीक है, तो डिफ्यूज़ का आएंगे एल्बेडो, चलो ये आ गया अपना डिफ्यूज़। ग्लॉसीनेस में जाएंगे अपना, कहा गया मेटेलिक डाल देते, रिफ्लेक्सिटी में जाएंगे मेटल अपना, सॉरी रफनेस, एक सेकंड कोई आया है। ऑइट, तो ये अपना बम्प में मिनी गन का जो बम्प है बम्प फाइल डाल देंगे, ओक्लिजन भी है, ओक्लिजन भी डाल देंगे, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा देख सकते हैं। ओक्लिजन डालने के बाद ही देख सकते कुछ चेंजेस थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह ये अपना चेंजेस लग रहा है, बाकी सब तो सब सेट है और कुछ बचा नहीं। ठीक है, ये अब सब अपना हो गया टेक्चर ऐड करना, तो ये देख सकते कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है जगह पर, बाकी बाद में डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट कर लेता हूँ, अभी मैंने डुप्लीकेट कर दिया है, कंट्रोल या फिर कॉपी पेस्ट कर देते या फिर यहाँ पे डुप्लीकेट मोड कर देंगे सिंगल सिंपली। ठीक है, अपना ये डुप्लीकेट हो चुका है, तो इसको मैं इस साइड ले लूँगा और थोड़ा पोजीशन कुछ इस तरह से अपने को रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मॉडल, अपना ऑलमोस्ट तैयार है, देख सकते काफ़ी प्यारा लग रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी है, तो अभी मैं क्या करूँ इसको सबसे एनिमेट करने के लिए अपने को क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल क्लिक करें, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपने को यहाँ पे ऑक्स चैनल में चैनल वन डालना है, इसमें भी चैनल वन डाल देंगे। ठीक है, बाकी सब एनिमेशन वहाँ पे कर लेंगे, देख सकते अपना ऑलमोस्ट रेडी है फोटोज अपना, जो देख सकते काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना सॉरी गाइस, ऑक्स चैनल में जाके, चैनल वन में जाके देख सकते ये अपना रोटेशन यहाँ पे आया गया ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं रोटेट कर सकता कुछ इस तरह से, मैंने एनिमेट किया था रिसेंटली, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इस फ्रेम में जाके मैं यहाँ पे की फ्रेम दे दूँगा, थोड़ा आगे लेके फिर ऐसा कुछ एनिमेट कर दूँगा। ठीक है, तो ये अपना एनिमेट हो चुका है, दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दूँगा, तो थोड़ा इज़ आउट जो इफेक्ट है वो आ जाएगा, देख सकते काफ़ी प्यारा लग रहा है अपना एनिमेशन। तो ये कुछ इस तरह से आप तुम लोग एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी गन का इफेक्ट इसमें डालना है अपने को, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये फ्रेम के इस आगे लाके मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले मजल जो अपना ये है, मैं वीडियो को पायलट का यूज़ कर रहा हूँ, परचेस कर सकते वीडियो के ऊपर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, देख लेना या फिर कहीं से उठा लेना, यूट्यूब ग्रीन स्क्रीन के भी मिल जाते हैं, यूट्यूब में भी मिल जाते हैं, वहाँ से ही उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया है, मजल फ्लैश कोई एक ट्राई करके देख लेते सिंपली, या मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसको, राइट, ओ नहीं गलत आ गया, फ्रंट वाला चाहिए, फ्रंट वाला स्ट्रेट, ये रहा स्ट्रेट लिख के, चलो कुछ इस तरह से ये, हाँ ये बेटर है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ला लूँगा। ठीक है, इसको मैं ट्रैक नहीं करूँगा, एक दो फ्रेम के लिए कौन ट्रैक करेंगे, है कि नहीं, तो सिंपली इसको मैं 3D में लेयर में कर सकता हूँ लगे तो, और रोटेशन में थोड़ा ओरिएंटेशन जो अपने गन के हिसाब से मैं ओरिएंटेशन दे दूँगा कुछ इस तरह से, इस तरह अपने को देना और एक एक फ्रेम में आगे जाना, जैसे कि पी प्रेस करूँगा मैं पोजिशन में, एक की फ्रेम डाल के आगे लूँगा, देख सकते कुछ इस तरह से अपने को एनिमेट करना है, मतलब एक एक फ्रेम के आगे आते हैं, बाकी तो स्मोक पर आ जाता है। फिर इसमें मैंने शायद मेरे पास बुलेट वगैरह भी था इसका एक्शन एफ का, वो वीडियो को प्लेट का तो लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये देखता हूँ, ये शायद शेल है, शेल में डालना थोड़ा अच्छा रियलिस्टिक लगेगा, देख सकते ये शेल है, तो शेल को मैं थोड़ा आगे ले लूँगा, इतना बड़ा तो शेल नहीं रहेगा, तो 50 कर देते, चलो 40 रख देते बस, इतना ठीक है, 29। ठीक है, तो ये मैं कुछ इस तरह से ये एक मारा। ठीक है, तो ये अपना शेल है, शेल में भी एक एनिमेट कर देंगे, पी प्रेस कर दूंगा, और ये कुछ फ्रेम पे ऐसा कुछ एनिमेट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से अपने को बनाना है मजल फ्लैश, जो अपना गन का जो मजल फ्लैश है कुछ इस तरह से बनाना। ठीक है, ये अपना हो गया, अभी लास्ट अपना बाकी सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपना लास्ट जो है अपना फायर वाला भी सेम है,
मेरे पास फायर वाला था लेकिन ऐड नहीं किया। चलो ठीक है, फायर वाला का भी कोई इशू नहीं, सेम ही वैसा ही है। बस यहाँ पे ऐड करके अपनों की फ्रेम, मतलब की फ्रेम या फिर ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, की वैसे की करके मतलब की फ्रेम डाल के एक एक की में एनिमेट करना है, तो वो अपने से आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देख सकते। तो अभी अपना फुटेज ऑलमोस्ट रेडी है, ज़्यादा कुछ है नहीं कवर करने के लिए अभी। मत देख, फिर एक बार देख लेता हूँ मैं इसमें कुछ है कि नहीं कवर करने के लिए। देख सकते ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, अपना ग्लो इफेक्ट वगैरह सब कुछ हो गया। देख सकते ऐसा कुछ ग्लो मैंने डाया था फुटेज में। तो ये मैं ऐसे ऐसे अलग अलग चेंजेस कर तुम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ऑलमोस्ट अपना फुटेज कवर। तो ये वाला ऐसा वाला तो बना ही सकते तुम लोग को क्या है ना, ओरिजिनल जो बैकग्राउंड उसको डिसअर करके ये जो ये अपना ये टेक्चर इसको ऐड कर देना पीछे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना फुटेज ऑलमोस्ट रेडी है। देख सकते मैंने यहाँ पे शेल ऐड कर दिया था, देख सकते कुछ इस तरह से। वहाँ पर आग खराब हो जाएगा तो फ्लैशिंग है। ठीक है, तो ये अपना फुटेज ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब सब कुछ कवर हो चुका है। और कुछ भी रह गया या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये तो अपना डबस्टेक ख़त्म हो गया, और इट्स सो पीस आउट।